अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा और 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशन प्रोसेसेस पढ़े विच वर बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन सोर्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड 5th वन वाज द टाइप्स ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद है, इट इज़ बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ बैकबोन, कि पॉलीमर के अंदर किस टाइप की बैकबोन मौजूद है, यानी जो उसके अंदर मेन चेन है वो किस एटम से मिलके बनी है। तो उस बुनियाद पर हम पॉलीमर्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड सेकेंड वन इज़ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या है? अ पॉलीमर विच असेंशली कंटेन्स कार्बन एटम इन द बैकबोन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर। यानी ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर जो बैकबोन है या मेन चेन है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर, कोवलेंट बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होती है, ऐसे पॉलीमर्स को हम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। मोस्टली देखा गया है ऑल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर, कि जितने भी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सादा होते हैं, यानी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं सिंपली लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तो हमारे पास पॉलीथीन पॉलीमर वजूद में आता है। तो इसके अंदर जो मेन चेन है या मेन बैकबोन है वो कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल है। तो इस तरीके से जो पॉलीमर बनता है उसे हम ऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। इन कंट्रास्ट जब हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स दैट डू नॉट हैव कार्बन एटम्स इन द बैकबोन या मेन चेन। तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनकी मेन चेन में या बैकबोन में कार्बन एटम मौजूद नहीं होता, बल्कि दे कंटेन केमिकल एटम्स अदर देन कार्बन लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन ईटीसी। तो इनकी मेन चेन में कार्बन के अलावा दूसरे केमिकल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन वगैरह। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज पॉलीमर्स आर हाईली ब्रांच्ड एंड कम्प्लेक्स पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है, जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो है वो हाईली ब्रांच्ड होते हैं और इनका जो है कम्प्लेक्स नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल है पॉलीसिलेंस, जिसके अंदर मेन चेन जो है वो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड पर मुश्तमिल होती है, और इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है पॉलीसल्फाइड, जिसके अंदर मेन चेन सल्फर सल्फर बॉन्ड के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बैकबोन, के पॉलीमर में बैकबोन किस एटम पर मुश्तमिल है या किस टाइप की है। तो उस बुनियाद पर हम पॉलीमर्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर, के पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम पॉलीमर्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है अमॉर्फस पॉलीमर्स एंड सेकंड वन इज़ क्रिस्टलाइन पॉलीमर। अमॉर्फस पॉलीमर्स क्या होते हैं? दे आर कम्पोज्ड ऑफ अमॉर्फस रीजन्स वेयर मालिक्यूल्स आर रेंडमली अरेंज। यानी ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर पोर्शंस जो हैं वो अमॉर्फस होते हैं, यानी उनके अंदर मालिक्यूल्स की कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती, कोई 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलीमर वजूद में आते हैं हम उन्हें अमॉर्फस पॉलीमर्स कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर हम एटेक्टिक पॉलीस्टायरीन, जो एग्जांपल है अमॉर्फस पॉलीमर की, उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो 240 डिग्री सेल्सियस से 270 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है। तो इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता कि हमें एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट पता हो जहाँ पर आकर ये पॉलीमर मेल्ट कर जाते हैं। उसके बाद इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर ट्रांसपेरेंट, यानी लाइट इनके अंदर से पास कर जाती है। दे हैव पुअर केमिकल रेजिस्टेंस, इनकी जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। केमिकल रेजिस्टेंस क्या होती है वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स में। दे आर यूजुअली सॉफ्ट, अगर इनकी जो नेचर की बात की जाए या हार्डनेस की बात की जाए तो ये सॉफ्ट होते हैं इनका स्ट्रक्चर, या वैसे ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते। इसकी एग्जांपल्स में एटेक्टिक पॉलीस्टायरीन और पॉलीकार्बोनेट्स पॉलीमर्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। इन दिस पॉलीमर्स पॉलीमर चेन्स आर अरेंज इन
क्रिस्टलाइन रीजन, यानी ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर पॉलीमर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर में हो, एक थ्री डायमेंशनल स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ जुड़े हों, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स कहते हैं। याद रहे कि कोई भी पॉलीमर प्योर क्रिस्टलाइन नहीं होता, कुछ ना कुछ मकदार में उसमें अमॉर्फस रीजन मौजूद होता है, इसलिए हम क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स का दूसरा नाम सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पॉलीइथाइलीन का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वह 110 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। पॉलीएस्टर का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो 260 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। दे आर ओपैक इन नेचर। ओपैक इन नेचर का मतलब ये है कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये अपने अंदर से लाइट को गुजरने नहीं देते और उसका साया बना देते हैं। अब यानी वो लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो वो उसको हीट एनर्जी या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट देखा जाए तो वो दीज क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर ओपैक इन नेचर। दे हैव गुड केमिकल रेजिस्टेंस। इनकी जो केमिकल रेजिस्टेंस होती है वो अच्छी होती है। केमिकल रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? एबिलिटी ऑफ अ पॉलीमेरिक मटीरियल टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू एन इंडिकेटेड केमिकल रिएजेंट एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम। केमिकल रेजिस्टेंस से सिंपली ये मुराद है कि जब आप किसी पॉलीमर को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी केमिकल रिएजेंट के अंदर रखते हैं तो वो पॉलीमर अपनी प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली होने के खिलाफ जो रेजिस्टेंस शो करता है उसे हम केमिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि अगर मैं एक पॉलीएथीन पॉलीमर को HCl सॉल्यूशन के अंदर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखता हूँ, 2 वीक्स के लिए या 3 वीक्स के लिए, तो जब मैं इस पॉलीमर को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक इंडिकेटेड केमिकल रिएजेंट या इन्वायरमेंट के अंदर रखता हूँ तो इससे जो है उस पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ में जैसे मॉलिक्यूलर वेट में तब्दीली आ सकती है, इलास्टिक स्ट्रेंथ में तब्दीली आ सकती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, तो वो जो पॉलीमर होता है ऐसे रिएजेंट के अंदर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को तब्दील नहीं होने देता, यानी वो उसमें रेजिस्टेंस शो करता है। तो जितनी अच्छी वो रेजिस्टेंस शो करता है उसकी केमिकल रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अभी हमने देखा कि अमॉर्फस पॉलीमर्स जो होते हैं उनकी केमिकल रेजिस्टेंस की पावर इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को किसी केमिकल रिएजेंट की मौजूदगी में थोड़ा जल्दी चेंज कर जाते हैं, वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाते। लेकिन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की बात करें, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के साथ बनते हैं तो इनके जो केमिकल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है और ये जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली नहीं आने देते और इसी वजह से ये यूजुअली हार्ड भी होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स की बुनियाद पर हमने उनको अमॉर्फस पॉलीमर्स और क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स के अंदर डिवाइड किया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बुनियाद जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, के किसी भी पॉलीमर में जो सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ अटैच होते हैं वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, उस बुनियाद पर हम पॉलीमर्स को 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहली है जी एटैक्टिक पॉलीमर्स। अ पॉलीमर इन विच सब्स्टिट्यूएंट्स इन द कार्बन चेन आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, यानी ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर जो जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट हैं वो रैंडम मैनर में होते हैं, कि मतलब अगर 1-2 जो हैं वो इन द प्लेन है तो नेक्स्ट 2-4 जो हैं वो आउट ऑफ द प्लेन है, कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, रैंडमली कुछ इन द प्लेन होते हैं कुछ आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट पैटर्न की बात करें तो वो रैंडम होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी एटैक्टिक पॉलीमर्स हैं वो मोस्टली अमॉर्फस होते हैं। अमॉर्फस पॉलीमर्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। एग्जांपल की बात करें, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड पॉलीस्टायरीन इज एन एग्जांपल ऑफ एटैक्टिक पॉलीमर। ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं ये हमारे पास कार्बन की मेन चेन है और इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो अटैच हैं, अगर इनकी तरतीब जो
है या अरेंजमेंट वो रैंडम है, मतलब कोई इन द प्लेन है कोई आउट द प्लेन है, यानी रैंडमली वो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, तो इस तरीके से जो पॉलीमर बनता है उसे हम एटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं। इन कंट्रास्ट टू दिस, जब हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर की बात करते हैं, इन दिस पॉलीमर द सब्सटिट्यूएंट्स आर एट द सेम साइड ऑफ कार्बन चेन, यानी ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन चेन से जुड़े हुए जितने भी सब्सटिट्यूएंट हैं वो सारे ही एक ही फेज में या एक ही साइड पे मौजूद होते हैं। तो इसमें सब्सटिट्यूएंट पैटर्न की बात करें ऑन द सेम साइड होते हैं तमाम सब्सटिट्यूएंट्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी आइसोटैक्टिक पॉलीमर हैं वो सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं। एग्जांपल जो है इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड पॉलीप्रोपाइलीन इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटैक्टिक पॉलीमर। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं, हमारे पास ये कार्बन चेन है और इसके साथ जितने भी सब्सटिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हैं वो सारे ही एक ही साइड पे हैं, वो सारे ही एक ही फेज में हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास पॉलीमर वजूद में आता है उसे हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप हमारे पास है वो है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। अ पॉलीमर विच कंस्टिट्यूएंट्स आर इन अल्टरनेट पैटर्न इज कॉल्ड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। यानी ये ऐसा पॉलीमर है जिसमें मेन चेन से जुड़े जितने भी सब्सटिट्यूएंट्स हैं वो अल्टरनेटिवली एक दूसरे के बाद रिपीट होते हैं। तो इसमें सब्सटिट्यूएंट पैटर्न जो है वो अल्टरनेटिंग है और स्ट्रक्चर जो है इनका मोस्टली क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। एग्जांपल जो है पॉलीस्टाइरीन ऑब्टेन फ्रॉम मेटालोसिन कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन, कि मेटालोसिन कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से जो हमारे पास पॉलीस्टाइरीन बनती है उस वो जो है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर की एग्जाम्पल है। देखें तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कार्बन या कोई भी मेन चेन है और उसके साथ सब्सटिट्यूएंट्स ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक इन द प्लेन, दूसरा आउट ऑफ द प्लेन, तीसरा इन द प्लेन, चौथा आउट ऑफ द प्लेन, पांचवा इन द प्लेन, छठा आउट ऑफ द प्लेन, मतलब अल्टरनेटिवली वो डिफरेंट साइड के ऊपर जो है अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलीमर वजूद में आता है उसे हम सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में पांच डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है सिस्टम पढ़े थे और इसमें हमने तीन क्लासिफिकेशंस की, नंबर वन जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर, नंबर टू अमोर्फस और क्रिस्टलाइन पॉलीमर और नंबर थ्री पर हमने आइसोटैक्टिक पॉलीमर, एटैक्टिक पॉलीमर और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में डिटेल जो है लेक्चर था। अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जो है वो क्लिक ज़रूर करें ताकि नई अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।